नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं M24 न्यूज। वक्त है अभी तक की 5 सबसे बड़ी खबरों का। पाकिस्तानी फायरिंग में 2 भारतीयों की मौत, भारतीय सेना गोली का जवाब गोले से दे रही है। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर और रामगढ़ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना गोले से दे रही है। इलाके में लोग डरे सहमे हैं। गोवा के वास्को में अमोनिया गैस का कहर, घर से बाहर निकले लोग, 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। गोवा में अमोनिया गैस का कहर बरपा है। वास्को में बीती रात अमोनिया गैस का टैंकर पलटने के बाद से सनसनी मची हुई है। टैंकर का गैस लीक हो चुका है। गैस फैलने से लोगों को सफोकेशन हो रहा है, लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने दर्जनों की संख्या में गांव के लोगों को सुरक्षित उनके घरों से बाहर निकाला है। योगी और मौर के इस्तीफे से खाली हुई लोकसभा सीटों पर मार्च में हो सकते हैं उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव मार्च में हो सकता है, चुनाव आयोग ने यह संकेत दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म पद्मावत के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि CBFC ने नियमों के खिलाफ फिल्म को पास किया है, इसलिए फिलहाल फिल्म की रिलीज रोक दी जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कल ही मसले पर आदेश दिया जा चुका है। और बलूच नेता का दावा, ईरान के चाबहार पोर्ट से अगवा किया गया था जाधव को। एक इंटरव्यू में कादिर ने दावा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले मुल्ला उमर बलूच ईरानी ने जाधव को ईरान के चाबहार से अगवा किया है। अभी के लिए दीजिए अपने दोस्त समीर को इजाजत और आप बने रहिए M24 न्यूज के साथ।